first shape threading and second shape threading. Hello guys, welcome back my channel. आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ थ्रेडिंग की शेप चेंज करना. आज की वीडियो में आपको बता रही अगर एक शेप की थ्रेडिंग हम लोग बना लेते हैं तो उसे अगर दूसरे शेप चेंज करना चाहे तो किस तरह से शेप चेंज कर सकते हैं. तो आज की वीडियो में आपको ये सब बताने वाली हूँ. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. उसके बाद सबसे पहले मैं थ्रेडिंग के ऊपर टैल्कम पाउडर फैला लेती हूँ और उसके बाद मैं सीजर की हेल्प से जो थ्रेडिंग के ऊपर जो एक्स्ट्रा हेयर से उन्हें कट करके थ्रेडिंग की शेप के बराबर कर लेती हूँ. अब स्टार्ट करती हूँ थ्रेडिंग बनाना. सो गाइस, ऊपर की थ्रेडिंग मैंने स्टार्ट की है तो मैं यहाँ से जो एक्स्ट्रा हेयर से उन्हें निकालते चल रही हूँ. सो गाइस, काफ़ी दिनों पहले से मेरे चैनल पर रिक्वेस्ट आ रही है कि प्लीज़ मैम आप स्कूल गोइंग गर्ल की थ्रेडिंग बनाइए, स्टूडेंट थ्रेडिंग बनाइए. तो मैंने आपकी ही इस रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो क्रिएट की है कि मैं दो शेप के अंदर एक थ्रेडिंग को दो शेप के अंदर मैं आपको इस वीडियो में बनाकर दिखाने वाली हूँ. तो इसके लिए मैंने स्कूल स्टूडेंट जो गर्ल है उसी के ऊपर मैंने आज की इस थ्रेडिंग को ट्राई किया है. आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. सो इस देखिए, नीचे के हेयर्स मैंने क्लीन कर दिए हैं. अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट थ्रेडिंग पर. यहाँ पर मैंने सीजर से मुझे कुछ एक्स्ट्रा हेयर्स ज़्यादा बड़े दिखाई दिए तो मैंने उन्हें हटाकर थ्रेडिंग के बराबर कर लिए हैं और मैं ऊपर की जो थ्रेडिंग है अब उसे बनाना स्टार्ट कर रही हूँ. सो गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो नीचे बेल आइकन घंटी है उसे भी दबा के प्रेस कर लेना. ऐसा करने से मेरी जो नई न्यू नोटिफिकेशन होती है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी. और लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना. तो गाइस, इसके बाद हम बढ़ते हैं अब अगली नीचे वाली थ्रेडिंग पर. तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा हेयर्स मैं थ्रेडिंग के निकाल रही हूँ और ज़्यादा हमें जो थ्रेडिंग है उसके हमें पतला नहीं करना और शेप को भी ज़्यादा नहीं छेड़ना. पहले हमें जो एक्स्ट्रा हेयर्स है उन्हें निकालते हुए थ्रेडिंग की जो शेप है उसे शेप में ही लाना है. तो देखिए, इस तरह करके मैं नीचे से जो हेयर्स है वो सारे क्लीन कर लेती हूँ और अब बढ़ती हूँ मैं फाइनली फिनिश पर. तो मेरा फाइनल फिनिश का तरीका ओनली ऊपर से मैंने थ्रेडिंग को स्ट्रेच कराया हुआ है और आगे की तरफ से मैं बार बार धागे को अपने हिसाब से ले जाते हुए फिनिश दे रही हूँ ताकि जो फिनिशिंग मेरी थ्रेडिंग में बहुत अच्छी सी क्लैरिटी मुझे दिखाई दे. तो लीजिए गाइस, नेक्स्ट जो थ्रेडिंग है उसमें भी मेरी थ्रेडिंग की जो फाइनली जो फिनिशिंग होती है वो चल रही है, आप देख सकते हैं. तो इस तरह करके मैंने फर्स्ट जो थ्रेडिंग की शेप है वो तैयार मैंने कर ली है. तो मैं जो माथे के हेयर्स हैं उन्हें भी हटा के क्लीन कर लेती हूँ कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं. और जो बिल्कुल माथे के बीच में जो मैंने थ्रेडिंग बनाई है उसके अंदर थ्रेडिंग की जो फर्स्ट शेप है वो मैंने दे दी है, आप देख सकते हैं उसको. चेंज करके दूसरी शेप में आपको बना के दिखाने वाली हूँ. तो चलिए अब वो शेप चेंज में आपको दिखाती हूँ किस तरह होती है. यहाँ पर मैंने थ्रेडिंग को ऊपर से नीचे अच्छे से स्ट्रेच करा के पकड़वाया हुआ है और अब मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से एक्स्ट्रा हेयर्स निकालना. तो आप मेरी थ्रेडिंग में देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल बीच में से ही थ्रेडिंग में से एक्स्ट्रा हेयर से उन्हें निकाल रही हूँ. इस तरह से आप देख सकते हैं ओनली एक एक हेयर से हमें थ्रेडिंग के निकालने हैं, ज़्यादा हेयर्स हमें नहीं निकालने, अदरवाइज थ्रेडिंग ख़राब होने के पूरे पूरे चांस होते हैं. इसलिए मैं ओनली एक एक हेयर्स को पकड़ के थ्रेडिंग की जो शेप है उसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश कर रही हूँ. तो आप देख सकते हैं गाइस, मैंने जो थ्रेडिंग का मेनली जो बीच का पॉइंट है मैं वहाँ से एक एक हेयर्स निकाल रही हूँ ताकि मैं इस थ्रेडिंग को थोड़ा सा अच्छे से राउंड कर सकूँ और जो पहले वाली शेप है उससे मैं थ्रेडिंग को चेंज कर सकूं. तो आप देख सकते हैं मैंने जो थ्रेडिंग के अंदर जो हेयर्स है वो कहीं से भी नहीं छेड़े, ओनली फॉर बीच में से मैं हेयर्स हटा रही हूं और थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ उनको घुमाते हुए राउंड आकार में ले जा रही हूं.
अब थोड़ा सा नीचे की जब शेप हमारी चेंज हो चुकी है तो अब मैं बढ़ती हूँ ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ भी मुझे एक दो हेयर्स ऐसे निकालने पड़ेंगे जो नीचे की जो शेप राउंड है तो उसी हिसाब से वो ऊपर से ठीक दिखे। तो गाइस नेक्स्ट थ्रेडिंग में भी आप देख सकते हैं मैंने बीच में से हेयर्स निकालने स्टार्ट किए हैं और एक एक हेयर्स की लेयर ही मेरे थ्रेड के अंदर से निकल रही है, आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा थ्रेडिंग को राउंड करने का ही एक तरीका है जो डीपली हमारी थ्रेडिंग में राउंड शेप दिखेगी। तो लीजिए गाइस उसी हिसाब से मैं अब जो नीचे से जो एक्स्ट्रा हेयर्स है उनको भी थोड़ा थोड़ा थ्रेडिंग की शेप में मिलाते हुए आगे बढ़ रही हूँ और एक्स्ट्रा हेयर्स मुझे कुछ छोटे छोटे दिखाई दे रहे तो उन्हें भी मैं हटा कर क्लीन कर रही हूँ ताकि थ्रेडिंग में थोड़ी अच्छी सी क्लैरिटी मुझे दिखाई दे। और ऊपर से भी मैंने इसको शेप दी है। अब बढ़ते हम बीच की तरफ, तो बीच में से भी मैं थोड़ा सा इनको आगे की तरफ हल्का सा इनको झुकाते हुए यहाँ क्लीन कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, पहले एकदम स्ट्रेट थी तो मैं यहाँ से थोड़ा राउंड देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि थ्रेडिंग आगे से स्टार्टिंग हल्की से राउंड हो इस प्रकार से। तो लीजिए गाइस एक मैंने कंप्लीट कर ली है। अब अगली जो चल रही है उसमें भी मैं एक्स्ट्रा हेयर्स इसी के अकॉर्डिंग निकाल रही हूँ। सो गाइस आप थ्रेडिंग को फिर से भी एक बार चेक कर सकते हैं कि आपकी थ्रेडिंग में आपको ऊंचे नीचे हेयर्स तो नहीं लग रहे हैं, अगर लगे तो आप उन्हें इस प्रकार से हटा दें जिस प्रकार से मैं हटा रही हूँ ताकि हमें जो थ्रेडिंग के हेयर है वो इक्वल दिखाई दे और ऐसा ना लगे कि ऊंचे नीचे हेयर्स थ्रेडिंग के अंदर निकल रहे हैं। सो गाइस लीजिए जो फाइनल फिनिशिंग है वो मैं अपनी थ्रेडिंग में इस तरह दे रही हूँ ताकि मेरी जो थ्रेडिंग की मैं जो शेप बना रही हूँ वो अच्छे से बने। सो गाइस मेरे चैनल पे ये आपकी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मैंने आपकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना। तो लीजिए गाइज थ्रेडिंग की जो क्लियरिटी है वो पहले से और भी अच्छी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं मैं ऐसे कोई हेयर्स इसके अंदर से नहीं छेड़ रही, ओनली मैं एक एक जो हेयर्स निकाल रही हूँ तो वो बड़े ही ध्यानपूर्वक निकाल रही हूँ।